हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिस गामित और आज हम देखने वाले हैं ऑनलाइन पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जब हम शादी में जाते हैं या फिर मामा मासी के घर जाते हैं और एग्ज़ाम भी नज़दीक होती है तो हम रीड नहीं कर पाते, प्रिपरेशन करना रह जाता है। तो अगर हमारे पास पीडीएफ है मोबाइल में तो हम कभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और कभी भी रीड कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी हम चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड होता है। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में हम जाएंगे, जो सबके पास होता है, अगर नहीं है तो चेक करो। तो गूगल क्रोम में जाते ही हमें सर्च इंजन दिख रहा है, वहाँ पे हमें टाइप करना है GCERT टेक्स्ट बुक। इतना टाइप करके सर्च करेंगे और उसके बाद हमें फर्स्ट लिंक मिल जाती है। फर्स्ट लिंक में लिखा है टेक्स्ट बुक गुजरात एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके ऊपर हमें क्लिक करना है। उनके ऊपर क्लिक करते ही हमें नया पेज खुल जाएगा। उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स दी है, न्यू टेक्स्ट बुक 2020-19 है, उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड दिए हैं, जो भी आपको अप्रोप्रिएट है क्लिक करना है। लेकिन आज हम टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने जा रहे हैं, सो हम फर्स्ट लिंक है उनके ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू टेक्स्ट बुक 2020। उसके बाद हमें उस तरह सा पेज खुलेगा जहाँ पर न्यू सिलेबस 2020 लिखा है, स्टैंडर्ड 1 to 8, 9 to 12। तो हमें जो भी स्टैंडर्ड के डाउनलोड करना है उनके ऊपर क्लिक करना है। जैसे 1 to 8 है वो हमें चाहिए, तो उनके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पे कैटेगरी वाइज गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम और कोई भी जो भी मीडियम है उनके यहाँ पे कैटेगरी वाइज हमें मिल जाते हैं। तो 1 to 8 स्टैंडर्ड में हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 8th स्टैंडर्ड का चाहिए, तो हम 8th स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह सा कुछ पेज खोलेगा जहाँ पे जो भी सब्जेक्ट के अवेलेबल है वो पीडीएफ दिखा रहा है। यहाँ पे इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, संस्कृत है और सोशल साइंस है। फॉर एग्जांपल हमें इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए तो हम जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उनके ऊपर क्लिक करेंगे। उनके ऊपर क्लिक करते हमें ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से हमें डाउनलोड का ऑप्शन चूज करना है। तो उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ईमेल आईडी मांगेगा, गूगल ड्राइव का जो भी है। तो उनके ऊपर हमें जो भी ईमेल आईडी हम यूज़ कर रहे हैं उनको सिलेक्ट करना है और उसके बाद ये पीडीएफ अपने आप डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। आई होप आप अभी किसी भी स्टैंडर्ड के कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। और मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट करना, और मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक बाय बाय।